नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अपना संपूर्ण पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में किया होगा और साथ में आपने बीएड कर रखा होगा तो आपके पास एक सुनहरा मौका है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा शिक्षक के रूप में कार्य करने का। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में खोले गए हैं, तो आप सभी जिले के वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हैं और सभी जिलों के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जाकर वेबसाइट एक बार चेक कीजिएगा। यह बलौदा बाजार का नोटिफिकेशन है, जहां पर बलौदा बाजार के 5 विकास खंडों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के लिए गठित संचालित समिति द्वारा अस्थायी रूप से संविदा शिक्षकों हेतु योग्यताधारी आवेदकों को आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आप www.deobalaudabazar.com के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 5/6/2021 रात्रि 12 बजे तक है। तो इसमें व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत, गणित हिंदी माध्यम, गणित अंग्रेजी माध्यम। तो यहाँ पर आप अंग्रेजी माध्यम में भी और हिंदी माध्यम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक, जीव विज्ञान हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम, रसायन अंग्रेजी, वाणिज्य अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम। हिंदी में 10 पद, अंग्रेजी में 10, संस्कृत 5, गणित 5, हिंदी माध्यम, गणित अंग्रेजी माध्यम 5, भौतिक 5, जीव विज्ञान हिंदी 5, जीव विज्ञान अंग्रेजी 5, रसायन अंग्रेजी 5 और वाणिज्य 10 और सामाजिक विज्ञान कला 5। तो इस प्रकार पद निर्धारित किए गए हैं और इनका मानदेय 38,100 रुपये का होगा। इसके लिए आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसके कुल 5 पद है, इनका भी वेतनमान 38,100 है। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। शिक्षक अंग्रेजी, गणित विज्ञान हिंदी माध्यम और विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम। तो इसमें भी 5-5 पद निर्धारित किए गए हैं, इनका वेतनमान 35,400 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड अथवा डीएड या डीएलएड शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसके कुल 5 पद है, वेतनमान 35,400। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50% अंकों के साथ स्नातक, बीएड, डीएड या डीएलएड के साथ टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 5 पद, कला समूह अंग्रेजी माध्यम 10 पद और विज्ञान समूह अंग्रेजी माध्यम 10 पद। इसका वेतनमान 25,300 होगा। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, डीएड, बीएड प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक। कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी, इनका वेतनमान 35,400 और इसे कुल 5 पद है। इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी या बीटेक की कंप्यूटर विज्ञान आईटी की उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एमएससी कंप्यूटर विज्ञान या एमएससी आईटी एमसीए उपाधि अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके कुल 5 पद है, 35,400 वेतनमान होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीपीएड होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके कुल 15 पद है, 25,300 वेतनमान होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान गणित विषय में हायर सेकेंडरी
परीक्षा उत्तीर्ण हो। ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल 5 पद है, 22,400 इसका वेतनमान होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 2 अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके कुल 5 पद है, 25,300 इसका वेतनमान होगा। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 10,000 प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 अंग्रेजी माध्यम को यहां पर भी प्राथमिकता दी जाएगी। कुल 5 पद है, 19,500 इसका वेतनमान होगा। या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण या ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 विषय डिग्री डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। यदि आप ठीक से कार्य नहीं करते, कार्यकुशल ठीक नहीं रहता, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, यह समिति के ऊपर निर्भर होगा। संविदा हेतु 1 मुश्त मानदेय होंगे, अन्य कोई भत्ते यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की पुष्टि 10वीं के मार्कशीट के अंक सूची से की जाएगी। आवेदक के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। भविष्य में शासन द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। आप अपने कार्य में कार्यकुशल नहीं होंगे तो आपको पदच्युत कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय के संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पंजीकृत सोसाइटी द्वारा चयन प्रक्रिया पदों की आवश्यकता, जो कि लिखित परीक्षा, कक्षा में अध्यापन का प्रदर्शन व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसाइटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा। आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त या कोई डालने वाला होगा उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।